ये भाई करती हूँ, आओ खुश ही गया थोड़ा भाई। कैसे कैसे लोग कैसे कैसे लोग आते एक्शन, कैसे कैसे लोग इस घर में, क्या हुआ? करता हूँ, सॉरी करता हूँ क्या? अरे भाई करता हूँ। रेडी रोलिंग एंड भाभी एक्शन। भाभी वो करो ना। क्या करूँ? वही आओ। अच्छा मेरे भैया करता हूँ, आओ ठीक है। भगवान कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, पूरी फैमिली आई। बाबूजी लेफ्ट में चल के आपके बाबूजी आए। देखो बेटा, जो तुम अपने और गोमुख के बारे में कह रही हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो, क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसलिए मैं पहले इस बात की तहकीकात करना चाहता हूँ और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचना चाहूँगा। और तब तक तुम जा सकती हो। जा सकता हूँ मतलब? ससुर जी ये मेरा घर है, मेरा ससुराल है, मैं कहीं जाने वाला नहीं। जा सकता हूँ मतलब? लुक से रिज्यूम कर। जा सकता हूँ मतलब? ससुर जी ये मेरा घर है, ये मेरा ससुराल है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, निकल जाइए। नहीं ससुर जी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। आपने बैठते बैठते बोला मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, ये मेरे साजन के साथ अब मैं यही रहूंगा साजन के घर। वो नहीं तो उसकी जगह ये ले लीजिए ना आप। मैं कहीं नहीं जाने वाला, अब तो मैं यही रहूंगा। नहीं आप उनकी तरफ ही देखते रहिए, चेंज ऑफ रिएक्शन है। क्या जा सकता हूँ मतलब? ससुर जी मेरा घर है, मेरा ससुराल है, मैं कहीं जाने वाला नहीं। जा सकता हूँ मतलब? ससुर जी ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा ससुराल है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। हे बाबा मुझे इंसाफ दे, वही मुझे इंसाफ दे बाबा। ससुर जी मैं चला जाता हूँ। आप होते रहना चेंज ओवर। हाँ बाबूजी ने उनको रोका, तो मैं ये बोलूंगी ना कि कोई बात नहीं ससुर जी मैं चला जाता हूँ, तो भगवान पर ही मेरा भरोसा है, वही मुझे आसान दिलाएगा। कोई बात नहीं मैं चला जाता। मैं चला जाता हूँ, अब तो भगवान पर ही मेरा भरोसा, वो ही मुझे इंसाफ दिलाएगा। वो ही मुझे इंसाफ दिलाएगा। हाँ आपने सही पहचाना, इसका नाम भी गधा है। गधे आप बीच में बाबूजी वो बोले बेटा गधे तू अंदर जा। ठीक है भाभी एक बार वो करो ना। क्या करूं? वो आओ करो। अच्छा मेरे
अभी तो आया नहीं है ना। हाँ मैं क्यों दूंगा ना, तो पहले शॉप की वाटर पानी पर से लाल निकाल दे पीने का पानी ना, ज्यादा कम हो गया, लाल निकाल दे। हाँ पानी पानी नहाने का नहीं, ये क्या लेके आया? तो इसका क्या करें? डाल दे अपने से। तो इसका क्या करें? कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। अच्छा, बड़ी चिंता हो रही है आपको अपनी बीवी की? बताओ जी। नहीं साफ दिख रहे हैं। ऐसे मत कहिए कि आपको दिख रहा है। ये सांप दिख रहा है, ये सांप दिख रहा है, ठीक है, सांप दिख रहा है, ठीक है। नहीं नहीं कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। भाई अच्छा, बड़ी चिंता हो रही है अपनी बीवी की, बोलने चाहिए इसे तो सांप का बोलो, कुछ मत कहना, ठीक है। तो इसका क्या करें? कुछ मत कहना, कुछ नहीं कहिएगा। भाई अच्छा, बड़ी चिंता हो रही है अपनी बीवी की, आप राखी जी इसे कुछ मत कहिएगा, नहीं तो ये वही कहेगा जो आप कहेंगे, जो मैं कहूँगा ये वही करेगा, जो मैं कहूँगा ये वही करेगा। हाँ अब बताइए ना भाभी, इसका क्या करें? अच्छा ये वाला, ठीक है। बाबूजी बाबू जी बेटा ऐसे कुछ मत कहना, नहीं तो ये वही कर देगा जो तुम कहोगी। अच्छा इसे मैं जो कहूँगा वही करेगा। हाँ अब बताइए ना भाभी, इसका क्या करें? अपने सर पर डाल है ना। भाभी बताइए ना इसका क्या करें? अपने सर पे डाल ले। ये डाला सेम पॉइंट। भाभी बताओ ना प्लीज, इसका क्या करें? सर पे डाल ले। ये डाल लिया। यही रहूंगा अपने साजन के साथ। डायलॉग भी नहीं यहाँ। अब तो मैं यही रहूंगा अपने साजन के साथ। मतलब है भाई यार। अरे सेम मार्क तो है यार। नहीं नहीं मैं यहाँ बैठी थी अभी। अच्छा अभी मैं यहाँ बैठी थी। नहीं तो मैं ऊपर बैठा नहीं था। कर रहा है कर रहा है। अपने साजन के साथ है ना जी? बाबूजी बहुत हो गया इसका नाटक, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कंप्लेंट करने। ये गया बाबूजी, रुक जा बेटा बाबूजी। ये बाबूजी।
चली जाइए। कोई बात नहीं ससुर जी, मैं चला जाता हूँ, अब तो भगवान पर ही मेरा भरोसा है। कोई बात नहीं ससुर जी, मैं चला जाता हूँ, अब तो भगवान इंसाफ दिलाएगा, वही इंसाफ दिलाएगा। लेकिन वो वहाँ से बोलते रहे, आप मुझे अगर ना बेवफा कर दो नाटक। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ इसकी कंप्लेंट करने। जाने लगा बाबूजी, रुक जा बेटा, ऐसे जोश में कोई काम नहीं करते। राखी जी, मैं आपसे एक बार फिर विनती करता हूँ, इस वक्त आप यहाँ से चले जाए। राजी जी, आज के सीन की बात करें तो काफ़ी फनी सीन था, गदा प्रसाद आपके घर में पानी भी डाल लिया, कितना मज़ा आया सीन। नहीं, पहली बार मतलब ऐसा हुआ है कि चिड़ियाघर में गदा प्रसाद हमेशा सबके सर पे पानी डालता है जी, लेकिन पहली बार ये बहू ऐसी आई है कि इतनी चंट है ये बहू, इतनी मतलब वाट लगाओ बहू बोलते हैं ना, हाँ तो वाट लगाओ बहू है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि गदा प्रसाद को ये बहू ही ठीक कर सकती है, तो मैंने ऐसा ऐसा मैं बोलती हूँ तो वो खुद ही अपने पे पानी डाल देता है। और किसी किसी बात लगाने वाली है ऐसा नहीं है, मतलब चिड़ियाघर में इतनी सुशील फैमिली है और एक ऐसे बहू कदम रखते ही राखी सावंत तो चिड़ियाघर पूरा एकदम हिलने लगता है, सारे पंछी उड़ने लगते हैं। क्या है अब टीवी पे आप उतर आई हैं, काफ़ी नया बॉलीवुड से नहीं, बिल्कुल मैं बॉलीवुड में भी हूँ, मैं टीवी पे भी हूँ। टीवी पे इसलिए आना ज़रूरी है क्योंकि अपने फैंस बनाए रखने पड़ते हैं। जब आप बहुत सारी फिल्में करते तो फिल्में कब रिलीज़ होगी वो पता नहीं चलता, और सब पूरी दुनिया ये कहती रहती फैंस आपकी फिल्म कब आ रही है कब आ रही है, बेचारे थक जाते हैं इंतज़ार करते हुए। तो रिलीज़ करना हमारे हाथ में नहीं होता, हालांकि मैं इतनी सारी फिल्में कर रही हूँ, इतनी सारे आइटम सॉन्ग्स किए, तो ये ईजी हो जाता है कि जो हिट सीरियल है उसमें आपका कम बैक करना और आपकी एंट्री लेना, तो फिर वो मज़ा आ जाता है। तो काफ़ी सुन के अच्छा लगा, राखी इसमें आई है और काफ़ी मज़े से देख रहे हैं क्या होने वाला है, क्योंकि उनका हर टाइम कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव रहता है सबके लिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, हाँ मैं अच्छा कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे तो एकदम सभी बहुत अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस है, दे आर सो फैंटास्टिक, बहुत ही एकदम उमदे हुए कलाकार है। हाँ बट इनके बीच में आके मैं कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि टेलीविज़न की बेस्ट बहू बनूँ, चाहे पॉजिटिव हो चाहे कॉमेडियन हो चाहे नेगेटिव। और आपके आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो बॉलीवुड की किस ऑन द फ्लोर? अभी तो फिलहाल चिड़ियाघर कर रही हूँ और ढेर सारी फिल्में कर रही हूँ, ढेर सारे आइटम सॉन्ग्स कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, और चिड़ियाघर लोग देखें और उन्हें एक ऐसी बहू देखने मिलेगी जो आई थिंक सो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी।